हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेफ्रन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 विषय हिंदी, उसमें आगे का हमारा पाठ 16, परी और नन्हे बच्चे। तो आज की हमारी कहानी क्या है, इस कहानी में हमें परी की और उसके साथ कुछ नन्हे बच्चों की बात यहाँ पर की गई है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि हमारे पाठ में क्या दिया गया है। भोजन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। भोजन क्या है, तो हम जो खाना खाते हैं वो हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है वो यहाँ पर बताया गया है। इस कहानी के माध्यम से यही समझाया गया है कि हमें भोजन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो ये कहानी में हमें क्या सीख मिलती है, तो ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें भोजन में क्या खाना खाना चाहिए और क्या खाना नहीं खाना चाहिए, वो इस कहानी के द्वारा हमें यहाँ बताया गया है। तो आपको बच्चों यहाँ पर जो परियाँ दिख रही है ना, उनकी बात की गई है यहाँ पर। तो हम आगे पढ़ेंगे हमारी कहानी। एक बार की बात है, क्या कहा गया है, किसकी बात है, कि एक बार की बात है। परीलोक में परियों की राजकुमारी रहती थी। परीलोक में कौन रहता था, तो परीलोक में जो परियों की राजकुमारी होती थी वो रहती थी। राजकुमारी बच्चों से बहुत प्यार करती थी। राजकुमारी कैसी थी, तो राजकुमारी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था और वो बच्चों से बहुत ही प्यार करती थी। एक दिन राजकुमारी ने निर्णय लिया कि वह सबसे स्वस्थ बच्चे को ढेर सारे तोहफे व वरदान देगी। क्या किया निर्णय, तो एक दिन राजकुमारी ने निर्णय किया, यानी कि फैसला किया। निर्णय का अर्थ होगा कि फैसला, कि एक दिन राजकुमारी ने फैसला लिया कि वह सबसे स्वस्थ बच्चे, यानी कि सबसे स्वस्थ, यानी कि जो सबसे अच्छा हो और निरोगी हो, जिसमें कोई रोग ना हो, वैसे बच्चे को ढूंढकर ढेर सारे तोहफे, यानी कि उपहार और वरदान, यानी कि मन की इच्छा पूरी करने वाला जो होता है वरदान, वो देगी। उसने बादलों के पार आसमान में अपने परीलोक से नीचे एक स्कूल में देखा और सबसे स्वस्थ बच्चा ढूंढने लगी। वो क्या करती है, तो उसने बादल में, उसका क्या था, तो वो बादल में रहती थी, परी जो थी वो बादल में रहती थी और वो आसमान से परीलोक से नीचे एक स्कूल में देखती है और सबसे स्वस्थ बच्चा, यानी कि सबसे निरोगी बच्चा ढूंढने लगती है। परियों की राजकुमारी सोच में पड़ गई, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत सुंदर, साफ सुथरे और आकर्षक थे। परियों की राजकुमारी कैसे सोच में पड़ गई, तो परियों की राजकुमारी जब स्कूल में नीचे देखती है तो वो सोच में पड़ जाती है। क्यों सोच में पड़ जाती है, तो उसमें कुछ बच्चे बहुत ही सुंदर थे और उन्होंने साफ सुथरे और आकर्षक कपड़े पहने हुए थे। तो कुछ बच्चे बहुत फुर्तीले, निडर और शक्तिशाली थे। तो कुछ बच्चे कैसे थे, तो जो कुछ बच्चे थे वो बहुत ही फुर्तीले, यानी खेलकूद में बहुत ही फुर्तीले और निडर और शक्तिशाली थे। स्कूल के कुछ बच्चे बहुत ही चतुर और समझदार व आज्ञाकारी थे। और कुछ बच्चे कैसे थे, तो स्कूल के कुछ बच्चे ऐसे थे जो समझदार थे, चतुर थे और आज्ञाकारी, यानी कि आज्ञा का पालन करने वाले थे। तो कुछ बच्चे शीघ्र ही अपना पाठ याद कर लेते थे। तो कुछ बच्चे कैसे थे, तो कुछ बच्चे ऐसे थे तो कुछ शीघ्र ही, यानी कि जो अपने पाठशाला का जो पाठ होता है वो तुरंत ही याद कर लेते थे। सबसे स्वस्थ बच्चा चुनने के लिए परी सोच में पड़ गई। तो परी क्या सोचती है, तो परी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि सारे बच्चे बहुत ही सुंदर और साफ सुथरे, चतुर, फुर्तीले और शक्तिशाली थे और कुछ आज्ञाकारी और कुछ शीघ्र ही पाठ याद करने वाले बच्चे थे। इसलिए परी सोच में पड़ जाती है कि इसमें से सबसे अच्छे बच्चे को कैसे चुने। सबसे स्वस्थ बच्चा चुनने के लिए परी सोच में पड़ जाती है। तब वह बालक बच्चों को और नज़दीक से देखने के लिए परीलोक से नीचे आई। तो वो क्या करती है, जब उसे सोच में पड़ जाती है तो इतने सारे बच्चों में से उसे चुनना मुश्किल लगता है, तो वो क्या करती है, तो तब वो बच्चों को नज़दीक से देखने के लिए परीलोक से नीचे उतर आती है और एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगती है। और वो क्या करती है, तो वो नीचे आकर, परीलोक से नीचे आकर एक पेड़ जो होता था स्कूल में, वहाँ पीछे वो छुप जाती है। उसने देखा कि सुंदर, शक्ति और चतुराई के बावजूद भी बच्चे किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे थे। उसने क्या देखा, कि उसमें जितने भी बच्चे थे वो बहुत सुंदर और शक्तिशाली और चतुर होने के बावजूद भी वो किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे थे, यानी कि सभी बच्चों में कोई ना कोई बीमारी अवश्य थी। कुछ बच्चों के दांतों में सड़न थी।
कुछ बच्चों में क्या था, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके दांतों में सड़न थी, यानी कि उनके दांत खराब हो चुके थे। कुछ की आंखों में चश्मा लग गया था। कुछ बच्चे कैसे थे, तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनकी आंखों पर चश्मा आ गया था, यानी कि उनकी आंखों में नंबर हो चुके थे, इसलिए कुछ बच्चे चश्मा ही लगाए हुए थे। कुछ बच्चे हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिक थे। कुछ बच्चे कैसे थे, तो कुछ बच्चों में हीमोग्लोबिन की कमी थी, इसलिए वो क्या थे, तो उनमें थी एनीमिक थे, वह थके थके रहते थे। एनीमिक से वो क्या होते थे, तो जो एनीमिक वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर कुछ भी काम नहीं करते, थोड़ा भी सी चलते हैं खेलते हैं तो वो थक जाते हैं। तो कुछ कैल्शियम की कमी से हड्डियों और दांतों से कमज़ोर थे। और कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो जो कैल्शियम की कमी होती है उनमें हड्डियों में दर्द होता है और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। कुछ बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा मोटे थे। और कुछ बच्चे कैसे थे, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो हद से ज़्यादा मोटे थे, तो कुछ कमज़ोर थे। तो कुछ बच्चे कैसे थे, तो कुछ बच्चे तो कोई ऐसे थे तो वो कमज़ोर थे, यानी कि दुबले पतले थे। तो वही कुछ पढ़ाई में अपना ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते थे। तो कुछ बच्चे कैसे हो गए थे, तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अपनी पढ़ाई में भी ध्यान केंद्रित यानी कि एकाग्रता नहीं कर पाते थे। ये सब देखकर राजकुमारी उदास हुई। ये सब देखकर क्या होता है, ये सब जब देखती है राजकुमारी तो वो बहुत ही उदास हो जाती है और दुख से रोने लगी। और वो क्या हो जाती है, तो जब ये राजकुमारी देखती है कि इतने सुंदर और शक्तिशाली बच्चे होने के बावजूद भी वो किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे थे, तो वो देखकर राजकुमारी उदास हो जाती है और रोने लगती है। परियों की राजकुमारी ने अपने प्यारे बच्चों की इन समस्याओं के कारण खोजने का फैसला किया। राजकुमारी ने क्या किया, तो परियों की जो राजकुमारी थी वो अपने इस प्यारे बच्चों के लिए इन समस्याओं यानी कि इन परेशानियों के कारण खोजने का फैसला किया उन्होंने। तब तक भोजन की घंटी बज गई थी। तब तक क्या होता है, तब तक जो स्कूल की छुट्टी का यानी कि भोजन की छुट्टी का जो वक्त होता है वो हो चुका था, यानी कि उसकी घंटी बज गई थी। परी ने देखा कि बच्चे अपने टिफिन बॉक्स में चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, प्रेटजैम, सैंडविच, मैगी, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पेटीज, कुकीज आदि खाने की चीज़ें लाए थे। तब परी क्या देखती है, तो जब तक वो भोजन की घंटी बज जाती है तो परी देखती है कि बच्चे अपने टिफिन में क्या क्या लाए हैं। तो बच्चे अपने टिफिन में चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, ब्रेडजैम, सैंडविच, मैगी, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पेटीज, कुकीज़ और आदि खाने की चीज़ें लाए थे, यानी कि जो जंक फूड होता है वही सब बच्चे लाए थे। परी बहुत चिंतित हुई क्योंकि इनमें ना कोई तो प्राकृतिक रेशे व पोषक तत्व होते हैं। परी क्या होती है, तो परी जब बच्चों का टिफिन देखती है और उनमें ये सब चीज़ें देखती है तो वो बहुत ही चिंतित हो जाती है, क्योंकि इनमें जो वो भोजन लाए थे वो उसमें ना तो कोई प्राकृतिक यानी कि स्वाभाविक प्राकृतिक यानी कि जो उसमें जो भोजन लाए थे उसमें कोई स्वाभाविक रेशे ना थे और पोषक यानी कि ताकत देने वाला कोई पोषक तत्व नहीं था और न ही संतुलित मात्रा में प्रोटीन एवं विटामिन उसमें क्या नहीं था, तो उसमें ना प्रोटीन था ना ही विटामिन था। ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। ऐसा भोजन क्या होता है, जो जंक फूड होता है वो हमें कभी कभी ही खाना चाहिए, हम हमेशा खाते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। परी की आंखों में आंसू आ गए। परी की आंखों में क्या होता है, तो परी के ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अचानक उसे याद आया, जब कुछ साल पहले वह सबसे तंदुरुस्त बच्चे को तोहफा वरदान देने आई थी, तब उसने देखा था कि बच्चों के टिफिन में रंग बिरंगी अंकुरित अनाज, चौकोर टुकड़ों में कटे खुशबूदार फल जैसे सेब, नाशपाती, पपीता, आम, केला, लाल लाल गाजर, हरे हरे मटर की सब्जी, गोल गोल रोटी, मटर पुलाव आदि थे। तो उसकी आंखों में क्या हो जाता है, तो जब परी को ये सब उसके देखती है बाकी बच्चों के टिफिन में कैसा चंकुड है, तो वो देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अचानक उसे याद आ जाता है कि उस कुछ
जब एक साल पहले वो सबसे तंदुरुस्त बच्चे को तोहफा और वरदान देने आई थी, तब उसने देखा था कि बच्चों के टिफिन में क्या था। तो बच्चों के टिफिन में था रंग बिरंगे अंकुरित अनाज, यानी कि अनाज जो होते हैं उसको पानी में भिगोकर अंकुर, यानी कि उसके जो अंकुर आते हैं तब वो जो अनाज खाया जाता है वो थे। चाकोर टुकड़ों में कटे हुए खुशबूदार फल थे, जैसे सेब, नाशपाती, पपीता, आम, केला, लाल लाल गाजर, हरे हरे मटर की सब्जी, गोल गोल रोटी, मटर पुलाव आदि सब पौष्टिक आहार उनमें थे, जो सभी पोषक तत्वों से भरपूर थे। ये सब कैसे हैं, ऐसे ये जो हमारे पिछले साल टिफिन में बच्चों के पास थे वो कैसे होते हैं, तो वो सब पोषक तत्वों से भरपूर एवं प्राकृतिक से युक्त होते हैं, यानी कि स्वाभाविक ताकत देने वाले रेसे युक्त होते हैं। पिछली बार परी बहुत खुश हुई थी। पिछली बार परी क्या हुई थी, तो पिछली बार ये सब देखकर परी बहुत ही खुश हुई थी, क्योंकि तब सभी बच्चे बहुत स्वस्थ और सेहतमंद थे। तब क्या था, तब वो बहुत ही खुश हुई थी, क्योंकि जो वो बच्चे जो वो खा रहे थे वो बहुत ही स्वस्थ और सेहतमंद, यानी कि उनमें कोई बीमारी नहीं थी। अंतः परी ने सभी बच्चों को ढेर सारे तोहफे, वरदान, आशीर्वाद दिए थे। अंतः यानी कि आखिर में उन्होंने क्या किया था पिछले साल, तो परी वो सब बच्चे को स्वस्थ और सेहतमंद बच्चे थे उन सभी को ढेर सारे तोहफे, वरदान और आशीर्वाद दिया था। परंतु इस बार परियों की राजकुमारी बच्चों के भविष्य के लिए बहुत चिंतित थी। परंतु इस बार क्या हुआ था, तो परंतु इस बार जो परियों की राजकुमारी थी वो बच्चों के भविष्य, यानी कि उनके आगे का भविष्य जो के लिए, आगे के जीवन के लिए बहुत ही चिंतित थी। उसने सोचा कि अपने प्यारे बच्चों को ऐसे छोड़कर वह परी लोग वापस कैसे जा सकती है। वो क्या सोचती है कि ये जो मेरे प्यारे बच्चे हैं उसको इस हालत में छोड़कर मैं परी लोग वापस कैसे जा सकती है। तभी परी ने अपनी सुनहरी जादुई छड़ी को घुमाकर स्वयं को मनचाही शिक्षिका के रूप में बदल लिया। तब परी क्या करती है, तब परी उसको बच्चों की ऐसे छोड़कर जाने की नहीं होती इच्छा, तो वो क्या करती है, तो वो अपनी सुनहरी जादुई छड़ी, यानी कि सोने के रंग वाली जादुई छड़ी घुमाकर स्वयं को मनचाही शिक्षिका के रूप में बदल देती है। यानी मनचाही शिक्षिका, यानी कि जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रिय शिक्षक हो वैसे रूप में बदल देती है। परी ने फैसला किया वह प्यारे प्यारे बच्चों के साथ शिक्षिका बनकर तब तक रहेगी जब तक वह बच्चों के खान पान की आदत को बदल नहीं देती। परी ने क्या फैसला किया, तो परी फैसला करती है कि वो अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ तब तक रहेगी जब तक वो अपने खान पान की आदत को बदल नहीं देते, और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें स्वस्थ जीवन जीने की राह पर चलना नहीं सिखा देती। और वो क्या नहीं कर सकती, तो वो बच्चों को सिखाएगी कि वो हमेशा हमेशा के लिए उन्हें स्वस्थ जीवन जीने की राह पर चलना वो सिखा देती। तो इस तरह से ये जो परी है वो कैसे हमें यहाँ पर बताती है कौन सा खाना हमें खाना चाहिए और कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए। हम ये जो बाहर का जंक फूड और वो सब खाते हैं तो हमें कई बीमारियाँ अब से ही दिखने लगती है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें स्कूल में हमेशा जो हम टिफिन लाते हैं उसमें हमारा वो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो वैसा ही भोजन हमें खाना चाहिए। तो ये जो हमारी परी और नन्हे बच्चों की कहानी है वो हमें क्या सीख देती है कि हमें बाहर का जंक फूड खाना छोड़कर घर का हेल्दी खाना जो हमें मम्मी बहुत प्यार से बना कर देती है वही हमें खाना चाहिए। तो आप भी बच्चों आज से सीखेंगे ना कि आप कैसा खाना खाएंगे, तो आप चॉकलेट वो सब छोड़कर घर का जो अंकुरित अनाज, फ्रूट और वो जो सारे दूसरे जो चीज़ें हैं वो सब आप खाएंगे ना, तो ये जो हमारा पाठ है वो यहीं पर पूरा होता है। अब हम आगे देखेंगे हमारे सप्ताह के अर्थ। तो सप्ताह के अर्थ में हमारा क्या आएगा, तो इस पाठ में हमें कुछ ऐसे हार्ड वर्ड्स से यानी कि हार्ड शब्द दिए गए हैं जिसके हमें यहाँ पर क्या अर्थ होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमारा पहला शब्द है निर्णय। तो निर्णय का अर्थ होगा फैसला, स्वस्थ यानी कि निरोगी, तोहफे तो उपहार, वरदान तो मन की इच्छा पूरी करना, केंद्रित यानी कि एकाग्र, समस्याओं यानी कि परेशानियाँ, चिंतित यानी कि परेशान होना,
प्राकृति यानी स्वाभाविक, पोषक यानी कि ताकत देने वाला, और सुनहरी यानी कि सोने के रंग वाली। इस तरह से हमें यहाँ पर जितने भी हमारे हार्ड शब्द दिए गए हैं उनके क्या अर्थ होते हैं वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो निर्णय का होगा फैसला, स्वास्थ्य का निरोगी, तोहफे का उपहार, वरदान का मन की इच्छा पूरी करना, कहने का एकाग्र, समस्याओं का परेशानियाँ, चिंतित यानी कि परेशान होना, प्राकृतिक यानी स्वाभाविक, पोषक यानी कि ताकत देने वाला, सुनहरी यानी कि सोने के रंग वाले। ये जो हमारा यहाँ पर पाठ और शब्द के अर्थ यहीं पूरे होते हैं। अब बच्चों आगे हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 16 परियनन्हे बच्चे का आगे का हमारा अभ्यास। तो अभ्यास में सबसे पहले हमारा क्या आएगा, तो अभ्यास में सबसे पहले आएगा हमारा पाठ से मौखिक, परिलोक में कौन रहती थी। तो हमें सबसे पहले अभ्यास में क्या करना है, तो उसमें सबसे पहले आएगा हमारा मौखिक। उसमें हमें कुछ प्रश्न हैं दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है परिलोक में कौन रहती थी, तो उसका उत्तर आएगा परिलोक में परियों की राजकुमारी रहती थी। तो क्या आएगा उत्तर कि परिलोक में परियों की राजकुमारी रहती थी। ख, राजकुमारी किसे ढूंढ रही थी, तो उसका उत्तर आएगा कि राजकुमारी सबसे स्वस्थ बच्चा ढूंढ रही थी। राजकुमारी क्या ढूंढ रही थी, तो राजकुमारी सबसे स्वस्थ जो बच्चा हो उसे ढूंढ रही थी। ग, उसने पेड़ के पीछे छिपकर क्या देखा, तो उसका उत्तर आएगा कि उसने पेड़ के पीछे से देखा कि पेड़ के पीछे छिपकर देखा कि सुंदरता, शक्ति और चतुराई के बावजूद भी बच्चे किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे थे। तो परी क्या करती है जब वो नीचे आती है और पेड़ के पीछे से क्या देखती है, तो कि बच्चे सुंदर तो थे, सुंदर और शक्तिशाली और चतुर तो थे, पर इसके बावजूद भी बच्चे किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे थे। अब आगे हम पढ़ेंगे हमारा लिखित, तो लिखित में क्या आएगा, तो लिखित में आएगा हमारा इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो लिखित में प्रश्न नंबर एक है हमारा, तीन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, परिलोक से कौन नीचे आई, तो उसका उत्तर आएगा कि परिलोक से परियों की राजकुमारी नीचे आई। क्या आएगा उत्तर कि परिलोक से परियों की राजकुमारी जो थी वो नीचे आई। ख, वह स्वस्थ बच्चे को क्यों ढूंढ रही थी, तो वो उसका उत्तर आएगा कि वह स्वस्थ बच्चे को ढूंढ रही थी क्योंकि वो उसे ढेर सारे तोहफे और वरदान देना चाहती थी। परी क्यों स्वस्थ बच्चे को ढूंढ रही थी, तो परी स्वस्थ बच्चे को ढूंढ रही थी क्योंकि वो जो स्वस्थ बच्चा हो उसे ढेर सारे तोहफे, वरदान और आशीर्वाद देना चाहती थी। ग, बच्चों की हालत देखकर उसने क्या फैसला किया, तो उसका उत्तर आएगा कि बच्चों की हालत को देखकर उसने फैसला किया कि वह प्यारे प्यारे बच्चों के साथ शिक्षिका बनकर, मनचाहे शिक्षिका बनकर तब तक रहेगी जब तक वह बच्चों के खान पान की आदत को बदल नहीं देती। तो परी क्या फैसला करती है, तो बच्चों की हालत को देखकर परी ने फैसला किया कि वह प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मनचाही शिक्षिका बनकर वो तब तक रहेगी जब तक वह बच्चों के खान पान की आदतों को बदल नहीं देती। ग, खाने की कौन सी चीज़ों में भरपूर पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो क्या का इस उत्तर क्या आएगा कि खाने में अंकुरित अनाज, खुशबूदार फल जैसे कि सेब, नाशपाती, पपीता, आम, केला, लाल लाल गाजर, हरे हरे मटर की सब्जी, गोल गोल रोटी, मटर पुला आदि में भरपूर पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो क्या आएगा उत्तर कि खाने में अंकुरित अनाज, खुशबूदार फल जैसे सेब, नाशपाती, पपीता, आम, केला, लाल लाल गाजर, हरे हरे मटर की सब्जी, गोल गोल रोटी, मटर पुलाव आदि में भरपूर पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा प्रश्न नंबर 2।
जो उत्तर सही है उसके सामने सही का निशान लगाइए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, तो हमें यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है जिसके हमें 3 उत्तर दिए गए हैं, उसमें से हमें जो एक उत्तर हमारा सही है, तो आपको जो उत्तर सही लगता है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो सुंदर और शक्तिशाली बच्चे भी किसी से जूझ रहे थे, बीमारी, गरीबी या स्वास्थ्य। तो क्या आएगा कि सुंदर और शक्तिशाली बच्चे भी थे, वो किसी ना किसी से जूझ रहे थे, तो क्या आएगा हमारा, तो बीमारी, गरीबी या स्वास्थ्य। तो उसमें से आएगा हमारा बीमारी, यहाँ पर आएगा इस तरह से कि बीमारी से वो जूझ रहे थे। ख, कैल्शियम की कमी से क्या कमज़ोर हो जाता है, आँखें, हड्डियाँ और दांत या सिर। तो क्या कमज़ोर हो जाता है, कैल्शियम की कमी से क्या कमज़ोर हो जाता है, तो हड्डियाँ और दांत। तो यहाँ पर आएगा हमारा इस तरह से कि कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। कौन से तत्व की कमी से थकान व एनीमिक हो जाते हैं, प्रोटीन, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन के तत्व की कमी से थकान एवं एनीमिक हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें हमारा जो सही उत्तर है उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो पहले में आएगा हमारा कि सुंदर और शक्तिशाली बच्चे भी बीमारी से किसी बीमारी से जूझ रहे थे। कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन से तत्व की कमी से थकान एवं एनेमिक हो जाते हैं। इस तरह से हमारा सही उत्तर आएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा जीवन मूलक परक प्रश्न। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि स्कूल के टिफिन में क्या ले जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और क्या नहीं, सही पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, तो हमें यहाँ पर कुछ खाने की चीज़ें दी गई है और हमें स्कूल में कौन सा खाना ले जाना चाहिए और कौन सा नहीं, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो हमें जो खाना नहीं ले जाना चाहिए उस पर हमें गलत का निशान और जो खाना ले जाना चाहिए उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला हमारा क्या है, बर्गर, चाउमीन, मैगी, अंकुरित अनाज या फल। तो बर्गर कैसा है, तो वो फास्ट फूड है, तो ये वो हमारा गलत आएगा। चाउमीन, तो चाउमीन भी हम स्कूल पर नहीं ले जा सकते। मैगी, तो मैगी भी हम नहीं ले जा सकते। अंकुरित अनाज, तो वो क्या होना चाहिए, तो वो हमारा पोषक तत्व वाला है, तो वो हम ले जा सकते हैं। फल, फल भी हमारा पोषक तत्व वाला है, तो वो हम ले जा सकते हैं। तो बर्गर, चाउमीन और मैगी पर हमारा रॉन्ग का निशान आएगा, अंकुरित अनाज और फल पर हमारा राइट का निशान आएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे हमारा व्याकरण से श्रुत लेख के लिए शब्द, यानी कि सुंदर लेखन के लिए शब्द। तो वो हमारे शब्द कौन कौन से हैं, तो उसमें से हमारे शब्द है नन्हे नन्हे, साफ सुथरे, आज्ञाकारी, हीमोग्लोबिन, संतुलित, स्वस्थ, आकर्षक, दांत, कैल्शियम, आशीर्वाद। तो ये जो हमें सारे के जो शब्द दिए गए हैं वो हमें यहाँ सुंदर लेखन के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम कौन कौन से शब्द यहाँ पर है हमारे, नन्हे, साफ सुथरे, आज्ञाकारी, हीमोग्लोबिन, संतुलित, स्वस्थ, आकर्षक, दांत, कैल्शियम और आशीर्वाद। तो ये जो हमारे सारे शब्द है वो हमें यहाँ श्रुत लेख यानी कि सुंदर लेखन के लिए दिए गए हैं। संयुक्त अक्षरों से बने शब्दों को पढ़िए और दोबारा लिखिए, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, संयुक्त अक्षर यानी कि जो एक अक्षर दूसरे अक्षर से जुड़ा हुआ उसे हम संयुक्त अक्षर कहेंगे। तो उसे क्या करना है, हमें पहले पढ़ना है और वही अक्षर हमें फिर से यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो वही शब्द हमें यहाँ फिर से लिखने हैं। तो पहला शब्द है हमारा प्यार, तो यहाँ पर प्यार के सामने आएगा प्यार ही आएगा, तो प्यार प्यार। शिक्षिका शिक्षिका, अत्यंत अत्यंत, चश्मा तो चश्मा, तत्व तो तत्व, तंदुरुस्त तो तंदुरुस्त, युक्त तो युक्त,
भविष्य, तो भविष्य यहाँ पर जितने भी हमें शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को हमें पढ़ना है और वही शब्द यहाँ पर हमें फिर से लिखना है। तो प्यार, शिक्षिका, अत्यंत, तत्व, युक्त, चश्मा, तंदुरुस्त, भविष्य, ये जो सारे शब्द दिए गए हैं वही हमें यहाँ फिर से दूसरी बार इस तरह से लिखने हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे दो शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाइए, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ जो शब्द हमें दिए गए हैं उनकी संधि को जोड़कर एक शब्द बनाना है। तो परिवत्ता लोक, तो ये क्या शब्द बनेगा, तो परिवत्ता लोक का बनेगा, उसकी संधि को जोड़कर बनेगा परिलोक, राज प्लस कुमारी, तो उसकी संधि को जोड़कर बनेगा हमारा राजकुमारी, वर प्लस दान, तो उसकी संधि को जोड़कर बनेगा हमारा वरदान, मन प्लस चाहे, तो मन चाहे, त प्लस दुरुस्त, तो क्या बनेगा हमारा कि तंदुरुस्त। तो हमें क्या पहला शब्द है संधियों को जोड़कर हमारा पहला शब्द बनेगा परिलोक, दूसरा राजकुमारी, तीसरा वरदान, चौथा मन चाहे और पांचवा तंदुरुस्त। चार, सीखे काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, जैसे खेलना, घूमना, हंसना आदि। क्या कहा गया है, जो काम वाले शब्द कौन से होते हैं, तो जो हम खेलते हैं, घूमना, हंसना, वो सब हमारी क्रिया कहलाते हैं, काम वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्दों के नीचे रेखा खींचकर उन्हें लिखिए, तो हमें क्या करना है, तो हमें ऐसे जो क्रिया वाले शब्द हैं उनको उनके नीचे लाइन खींचकर यहाँ पर लिखना है। तो पहला क्या है कि परीलोक में परियों की राजकुमारी रहती थी, तो क्या कहा गया है कि परीलोक में परियों की राजकुमारी रहती थी, तो क्या आएगा इसमें, तो जो रहती थी वो हमारी क्रिया होगी, तो यहाँ पर होगी रहती, तो यहाँ रहती लिखना है हमें। राजकुमारी दुख से रोने लगी, तो राजकुमारी क्या करने लगी, तो राजकुमारी दुख से रोने लगी, तो रोना है वो हमारी क्रिया है, तो यहाँ पर आएगा रोने। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, तो उसकी आंखों से क्या होने लगा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, तो बहने है वो हमारी क्रिया होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बहने। वह बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित थी, तो यहाँ पर जो चिंतित है वो हमारी क्रिया होगी, तो यहाँ पर आएगा चिंतित। उसने सुनहरी छड़ी घुमाकर स्वयं को शिक्षिका में बदल दिया, तो बदल देना वो हमारी क्रिया होगी, तो यहाँ पर आएगा बदलना। तो हमें पहले क्या आएगा, तो परिलोक में परियों की राजकुमारी रहती में से आएगा रहती, वो होगी हमारी क्रिया। राजकुमारी दुख से रोने लगी, वो रोने रोने जो होगा वो भी होगी हमारी क्रिया, तो यहाँ पर जो क्रिया है, क्रिया वाले शब्द है वो हमें यहाँ पर इस तरह से लिखने, तो पहले में अगर रहती, रोने, बहने, चिंतित और बदला, इस तरह से हमें क्रिया वाले शब्दों को लिखना और नीचे लाइन करके लिखना है। अब आगे हम पढ़ेंगे हमारा प्रश्न नंबर 5। दिए गए शब्दों में से अनेक शब्दों के लिए सही शब्द चुनकर लिखिए, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है कि दिए गए शब्दों में से अनेक शब्दों के लिए सही शब्द चुनकर लिखिए। तो उसमें कौन कौन से शब्द दिए गए हमें, शक्तिशाली, आज्ञाकारी, निडर, खुशबूदार, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, तो हमें शब्द दिए गए हैं शक्तिशाली, आज्ञाकारी, निडर और खुशबूदार। तो हमें क्या करना है, जो किसी से ना डरे, तो जो किसी से भी ना डरता हो उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे निडर। जिससे भरपूर शक्ति हो, तो उसे क्या कहेंगे, जिसमें बहुत सारी शक्ति हो उसे क्या कहेंगे, शक्तिशाली। जो बड़ों का कहना माने, तो उसे क्या कहेंगे हम, आज्ञाकारी। जो खुशबू से भरा हो, तो क्या आएगा, खुशबूदार। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो अनेक शब्दों में से एक शब्द बनता हो वो हमें यहाँ पर लिखना है, कि जो किसी से ना डरे तो निडर, जिसमें भरपूर शक्ति हो तो शक्तिशाली, जो बड़ा हो, बड़ों का कहना माने आज्ञाकारी, और जो खुशबू से भरा हो तो खुशबूदार। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पर अभ्यास और व्याकरण जो है इस पाठ 16 का वो यहाँ पर पूरा होता है। थैंक यू।